तो भाई लोग, मैं हूँ काशिफ और आप देख रहे हैं बॉली किंग। शाहरुख खान के फैंस के लिए बहुत बुरी खबर है दोस्तों। आपको याद होगा 2023 के अंदर दिसंबर के महीने में डंकी वर्सेस सालार कितना बड़ा क्लेश हुआ दोस्तों, जो कि भाई पूरा बॉलीवुड भाई हिल गया था। लेकिन भाई शाहरुख खान की जब से न्यू रिलीज डेट निकल के सामने आई है, जब से दोस्तों भाई शाहरुख खान किंग मूवी के साथ एक बहुत बड़ी फिल्म के साथ भाई एक क्लेश होने वाला दोस्तों। आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। किंग मूवी के बारे में आपको कई सारी अपडेट दूंगा, तो वीडियो साथ बने रहें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, जब ये आपको समझ में आने वाला भाई साहब यहां पर देखा जाए तो। दोस्तों आपको याद होगा डंकी वर्सेस सालार दोस्तों कितना बड़ा क्लेश हुआ था। लेकिन दोस्तों शाहरुख खान की दोस्तों पे आप सबको तो पता है कि भाई 2025 के अंदर भाई ये रिलीज डेट इसको दी गई थी। लेकिन भाई शाहरुख खान की जो न्यू रिलीज निकल के सामने आई किंग मूवी की, जो कि 2026 ईद के मौके पर भाई इसकी रिलीज़ डेट दी गई थी, लेकिन भाई कुछ देर बाद इस तरह की बातें बताने लगे कि भाई संजय लीला बंसाली की फ़िल्म लव एंड वार, वो भी भाई ईद के मौके पर ये फ़िल्म दोस्तों रिलीज़ होगी। यानी कि भाई फिर से संजय लीला बंसाली और शाहरुख खान की किंग मूवी 2026 ईद के मौके पर भाई क्लेश होने वाला, बहुत बड़ा क्लेश होने वाला भाई साहब यहाँ पर देखा है। तो आप सबको तो पता है कि भाई किंग मूवी शाहरुख खान के करियर की दोस्तों बहुत बड़ी मूवी होने वाली है, इस पर काफ़ी तगड़ा काम कर जा रहा दोस्तों। पहले मूवी 2024 में आने वाली थी, फिर तो उसकी रिलीज डेट भाई 2025 कर दी गई, लेकिन भाई दोस्तों फिर भाई लास्ट में भाई 2026 ईद के मौके पर कर दिया गया दोस्तों। भाई संजय लीला बंसाली में रणवीर कपूर, आलिया भट्ट और विक्की कौशल भाई लीड रोल के अंदर है। ये मूवी एक बहुत बड़ी रोमांटिक मूवी होने वाली है दोस्तों। साथ साथ भाई किंग मूवी एक दोस्तों एक्शन थ्रिलर ड्रामा मूवी होने वाले, ऊपर से भाई सोशल मैसेज वाली मूवी होने वाली दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो। आपको याद होगा कि संजय लीला बंसाली और शाहरुख खान एक बार फिर पहले भी दोस्तों भिड़ चुके हैं। 2015 आपको याद होगा कि भाई एक तरफ दिलवाले थी और एक तरफ दोस्तों भाई बाजीराव मस्तानी थी, रणवीर सिंह, दीपिका पादुकोण और दोस्तों भाई काजल और भाई शाहरुख खान की फिल्म दिलवाले, जिसे रोहित शेट्टी ने भाई डायरेक्ट करता, जो कि भाई शाहरुख खान पहले फिल्म में दोस्तों भाई चेन्नई एक्सप्रेस और हैप्पी न्यू ईयर भाई बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर देख के भाई सामने आए थे। लेकिन दोस्तों भाई साहब यहाँ पर देखा जाए तो दिलवाले के साथ एक बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी हुई थी दोस्तों। मूवी अच्छी थी, मूवी का हाइप बहुत ज़्यादा तगड़ा था, लेकिन भाई उस मूवी को भी उस वक्त बायकॉट करा गया था, कई सारे थिएटर में दोस्तों भाई तोड़फोड़ करी गई थी 2015 के अंदर। मुझे याद है जब भी मैं भाई शाहरुख खान की कुछ कुछ दोस्तों वीडियो बनाता था, लेकिन मेरा कोई ऑफिशियल चैनल नहीं था, मैं मूवियाँ देखने जाता था, मुझे शौक था मूवियों का। लेकिन दोस्तों भाई ये एक बहुत बड़ा संग्राम आ चुका दोस्तों। अगर भाई जो लोग ये सोच रहे हैं कि भाई किंग मूवी 1500 करोड़ कमाएगी, किंग मूवी 1800 करोड़ कमाएगी, किंग मूवी 3000 करोड़ कमाएगी दोस्तों, अब भाई सपना टूटने वाला है दोस्तों। मुझे ऐसा लगता है कि भाई भाई जो लव एंड वार और किंग मूवी का क्लेश होने वाला है, तकरीबन दोस्तों मुझे ऐसा लगता है कि भाई किंग मूवी तकरीबन 500-600 करोड़ में कमा पाएगी, उसके बाद दोस्तों स्टॉप हो जाएगी। क्योंकि भाई बॉलीवुड के अंदर संजय लीला बंसाली का नाम बहुत बड़ा है दोस्तों। भाई इन्होंने कई सारी फिल्में दोस्तों 300 करोड़ 400 करोड़ भाई मार चुके हैं। यानी कि भाई संजय लीला बंसाली का हिसाब यह है कि भाई वो किसी भी एक्टर को ले लें, वो मूवी ब्लॉकबस्टर होना तय है दोस्तों। भाई एक होता डायरेक्टर, क्योंकि भाई जो संजय लीला बंसाली का जो हाइप है ना दोस्तों भाई, उनके नाम से भाई फिल्में चलती हैं, जैसे कि शाहरुख खान के नाम से फिल्में चलती हैं ना, वैसी दोस्तों संजय लीला बंसाली के नाम से फिल्में चलती हैं दोस्तों। आप लव एंड वार मूवी जो है इससे हल्के में मत लेना, क्योंकि भाई किंग मूवी को बहुत तगड़ा नुकसान पहुँचाने वाली है दोस्तों। किंग मूवी कमाएगी, जैसे किंग मूवी दोस्तों भाई अगर एक साथ रिलीज़ हुई, तकरीबन दोस्तों किंग मूवी मतलब हिंदुस्तान में 100 करोड़ कमाएगी, समझ लो दोस्तों 50 करोड़ कमा पाएगी। क्योंकि भाई भाई रणवीर कपूर, विक्की कौशल, आलिया भट्ट इनके भी दोस्तों फैंस हैं, क्योंकि भाई ये भी बॉलीवुड फिल्में, दोनों बॉलीवुड फिल्में, बॉलीवुड की स्किन काउंट बहुत ज़्यादा दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो घट जाएगा। किंग मूवी दोस्तों अगर भाई सोचने की बात है भाई 65% लेती है, क्योंकि भाई शाहरुख खान का नाम बड़ा है भाई, बड़ा एक्टर है, ऊपर से भाई 2023 के अंदर आपने देखा पठान जवान डंकी कितनी बड़ी हिट हुई, उसके चक्कर में दोस्तों 65% अगर शाहरुख खान ने हिंदी ऑडियंस भाई अपनी तरफ कर लिया, यानी स्किन ले ली, लेकिन भाई जो 45% बचेगी दोस्तों, अगर भाई बाई चांस किंग मूवी दोस्तों भाई बेकार निकल गए दोस्तों, किंग मूवी की जो स्किन है वो लव एंड वार पर चली जाएंगी। लेकिन दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो अभी काफ़ी वक्त है, देखते हैं क्या होता है। हो सकता है तो शाहरुख खान और संजय लीला बंसाली के बीच में बात हो जाए कि भाई हम अपनी फिल्में अलग अलग रिलीज़ करते हैं, क्योंकि भाई देखा जाए तो सोशल मीडिया की मानो तो भाई सबसे पहले किंग मूवी को अनाउंसमेंट करा था ईद 2026 के लिए, उसके बाद कुछ घंटों बाद या अगले दिन इस तरह की अपडेट आने लगी कि भाई लव एंड वार संजय लीला बंसाली की फ़िल्म ईद 2026 दोस्तों। तो गाइस कहीं ना कहीं देखा जाए तो किंग मूवी को देखकर यहाँ पर
रिलीज डेट सेट करी गई है दोस्तों, क्योंकि भाई लव एंड वार पहले रिलीज हुई थी 2025 के अंदर क्रिसमस के मौके पर, वही किंग मूवी 2015 में 2025 के अंदर दोस्तों अभी इसकी 2025 रिलीज डेट दी गई थी, लेकिन भाई महीना नहीं दिया गया था। बाकी आप क्या कहना चाहते हैं किंग मूवी के बारे में कि भाई किंग मूवी और लव एंड वार का क्लेश होने वाला है, क्या इन सच में क्लेश होगा? अगर होगा तो भाई कौन सी मूवी किस पर हैवी रहेगी, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। बाकी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, नया चैनल सपोर्ट करें भाई साहब यहाँ पर देखा जाए तो।